वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। क्या भारत इस्लामिक देश बन गया है? क्या भारत में अब उनकी चलने लगी है जिन्हें 1947 में ही अपना देश चुन लेने की छूट दी गई थी? नहीं ना, तो फिर ये पोस्टर देख आपका भी चौंकना लाजमी है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को पर्दे में रहने की हिदायतों के साथ एमपी के खंडवा के खंबे में टांगे गए इस पोस्टर में लिखा गया है, तुम नकाब में रहो, दुनिया औकात पर रहेगी। तो क्या ये धमकी है? अगर धमकी है तो किसे धमकाया जा रहा है? क्या उन हिंदुओं को जो भारत में इनकी आबादी के लगभग 10 गुना है? इस पोस्टर को ध्यान से देखिए, नीचे के दो लाइनों को पढ़िएगा तो पाइएगा कि साफ लिखा है कि हर कीमती चीज पर्दे में रहती है और कचरा खुले में। तो खंडवा का अल्पसंख्यक कमेटी हिंदू महिलाओं को कचरा बताने की कोशिश कर रही है। क्या हिंदू महिलाएं नकाब में नहीं रहती तो कचरा है? हिम्मत देखिए कि खुलेआम ऐसे पोस्टर सड़क के किनारों पर लटकाए गए हैं, लेकिन इन पर एक्शन कब होगा? सीधी सी बात ये कि एक और चार वेद, एक और चतुराई वाला किस्सा चल रहा है। क्या धर्मनिरपेक्ष होने का ठेका सिर्फ भारत के हिंदुओं ने ले रखा है? अल्पसंख्यकों के नाम पर मिली छूटों का नतीजा ये है कि खुलेआम मनमर्जी से ऐसे पोस्टर टांगे जा रहे हैं। पाकिस्तान के वल्ला हबीबियों ने पाक में बसने वाले हिंदुओं पर किस तरह के कहर बरपाए हैं, ये किसी से नहीं छिपा। हिंदू राष्ट्र की बात छेड़ने भर से इनके पेट में चिल्ला चोट मच जाती है और करोड़ों हिंदुओं के बीच अपनी मर्जी से 1947 में भारत में रहने जाने वाले अपनी दादागिरी से बाज नहीं आते। हम ये नहीं कहते कि उनका भारत की सरजमी पर रह जाना गलत था, जी नहीं, भारत पर उतना ही हक इनकी कौम का भी है। लेकिन पत्थरबाजों की शक्ल लिए कुछ बहरूपिये आज भी खाते तो भारत की हैं, लेकिन गाते पाकिस्तान की है। एक नींबू पूरे दूध को फाड़ देता है। याद रहे कि अल्पसंख्यक कमेटी के नाम पर तमाम मुस्लिमों को भी नींबू बनाकर दूध की तरह फाड़ने की साजिश सियासत चमकाने के चक्कर में चल रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। खैर, इस पोस्टर पर फिलहाल बवाल मचा हुआ है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।